हरता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा। रॉक चाहिए मुझे, हमें और माँ को आपकी आवश्यकता है। रॉक चाहिए मुझे, रॉक। माँ की ऐसी प्रचंड मनोदशा में पिताश्री भी कैसे रोकेंगे उन्हें? दृष्टता की है तुमने, मेरे भोजन को मुझसे दूर करने का अपराध किया है। अब तुम बनोगी मेरा भोजन। नहीं, मुझे शीघ्र माता को रोकना होगा। गणेश, गणेश माँ काली के निकट चला गया, कहीं अब वो भी संकट में ना आ जाए। माता, मैं आपका पुत्र गणेश आपसे विनती करता हूँ। माता कृपया शांत हो जाइए माता, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माता आप जाइए। कदाचित गणेश माता को शांत करने में सफल हो गया है, अब सब उचित होगा। कौन हो तुम? किसी गणेश से परिचित नहीं हूं मैं, मुझे भूख लगी है। अपनी भूख मिटाऊंगी, जो मेरे समक्ष आएगा उसका भक्षण करूंगी मैं, उसका रक्त पान करूंगी मैं। अर्थात माता तो अभी भी शांत नहीं हुई है। माता तो गणेश पर वार करने जा रही है। अनुज गणेश, गणेश जी, कुमार कार्तिक। यह स्वर कहां से उत्पन्न हुआ? गणेश ये क्या करने जा रहे थे तुम? अपने जीवन को संकट में क्यों डाल रहे थे? माता का क्रोध तो चरम पर है, वो अवश्य तुम्हारा भक्षण कर जाती इस अवस्था में। भैया आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, उन्होंने तो मुझे अपने पुत्र को भी नहीं पहचाना। हमें इस संकट का कोई ना कोई समाधान ढूंढना ही होगा भैया, क्योंकि जैसे जैसे माँ का क्रोध बढ़ेगा वो और विनाश का कारण बनेगा। जी, कुमार कार्तिके आप कुशल तो है ना? हम दोनों कुशल हैं देवराजेंद्र। माँ, तुम सबका रक्तपान करूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। माँ का ध्यान तो हम पर ही है, वो यही आ रही है। संकट में माता कहीं हमारा रक्तपान करने तो नहीं आ रही? ये आपने क्या कर दिया इंद्रदेव? गणेश जी की रक्षा तो कुमार कार्तिके ने कर ली, किंतु ऊंचे स्वर में आपने उन्हें पुकार कर आपने माता का ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर दिया। अब उन्हें ज्ञात हो गया है कि हम सभी इस टीले पर स्थित हैं, अब कहीं हम सब माँ का भोजन ना बन जाए। सूर्यदेव आप उचित कह रहे हैं, अब तो हम सभी संकट में पड़ सकते हैं। देवगण, माता इसी ओर बढ़ रही है, अब हमें यहां से भागकर अपने अपने प्राणों की रक्षा करनी होगी। चलिए। भागिए देवगण, भागकर स्वयं को सुरक्षित कीजिए। चाहिए मुझे, तुम सभी बार बार मुझे रक्त से वंचित कर रहे हो, किंतु अब मैं तुम्हारा रक्त पान अवश्य करूंगी। क्या करें, कैसे?
कैसे बचाएं देवताओं को इस संकट से? असुरों की परचाप? भैया, मामा जी, फूफा जी, माता देवताओं का पीछा करेंगी, और यदि मैंने कोई उपाय नहीं किया तो कदाचित उनका आखेट भी कर लेंगी माँ। अब मुझे ही देवताओं की सहायता करनी होगी, और ये मैं कैसे करूँगा ज्ञात है मुझे। इसलिए जब तक मैं लौट कर नहीं आता, आप सब यही मेरी प्रतीक्षा कीजिए। ठहरिए देवगणों, आप सभी विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो दिशा परिवर्तन कीजिए। गणेश जी, हम माता काली से अपनी रक्षा कर रहे हैं, उनका भोजन बनने से अपने आप को बचा रहे हैं, तो हमें इसी दिशा में भागना होगा ना? सूर्यदेव, बिना विलंब किए मेरा सुझाव स्वीकार कीजिए और मेरे पीछे आइए। गणेश जी, उस दिशा में जाना हमारे लिए आत्मघात के समान होगा। ये आप हमसे क्या करवा रहे हैं? मेरा विश्वास कीजिए आप सभी, और चलिए मेरे साथ देवगणों। प्रथम पूजा गणेश जी ले जा रहे हैं तो उचित ही होगा, वो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, हमें उनके अनुसार उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सारे देवगण तो इसी ओर आ रहे हैं। रक्तपान, मुझे इनका रक्तपान करना है। गणेश सभी देवताओं को माता की ओर क्यों ले जा रहा है? रक्त चाहिए मुझे। तुम सभी का भक्षण कर अपनी रक्त पिपासा बुझाऊंगी मैं। शीघ्रता से इस शिला के पीछे छिप जाइए देवगणों, ताकि आप सब माता की दृष्टि से बच सके। कहाँ गए सब? कहाँ गए? मेरा रोष और मत बढ़ाओ। रक्त चाहिए मुझे। रक्त अंत करेंगे सभी का। अंत करो सभी का। असुरों की विजय होगी। विजय होगी। गणेश जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारी रक्षा के लिए क्या अद्भुत युक्ति लगाई आपने। हाँ देवराज, मैंने इस असुर सेना के आगमन की ध्वनि सुनी थी। माँ के क्रोध से रक्षित होने के लिए उनका ध्यान हम देवताओं से हटाकर उन असुरों की ओर आकृष्ट करवाना आवश्यक था देवराज। अब चलिए शेष देवताओं के समक्ष चलते हैं। खेचर, असुर महानायक शुंभ का विशेष सैनिक, और मेरे माध्यम से असुर महानायक ने तुम्हारे लिए एक अति विशेष संदेश भेजा है, और वो संदेश है। नारी तो रुदन करते विलक्ति दिखाई देती ही भाती है, इसलिए मैं तुम्हें रुदन करवाने आया हूँ। आक्रमण! मामा जी, फूफा जी, माता को शांत करने का कोई उपाय तो होगा। भैया, माता की क्रोधाग्नि को केवल एक वही है जो शांत कर सकते हैं, और वो है पिताश्री। कार्तिकेय, गणेश उचित कह रहा है, किंतु पिताश्री तो गहन तपस्या में लीन है, वो यहाँ आकर माता को शांत कैसे करेंगे? अपने यत्न से तुम्हें अति शीघ्र महादेव को तप से जागृत करना होगा, अन्यथा रक्तपान करते करते देवी काली और उग्र होती जाएंगी, और उनकी उत्पन्न ऊर्जा से महाविनाश होगा। हाँ गणेश, जो भी करना है शीघ्र करना होगा, अन्यथा कुछ शेष नहीं रहेगा। देवी काली से उत्पन्न ऊर्जा प्रलय का रूप ले लेगी।
अपने एक ही वार से इसने हमारे सभी शस्त्र नष्ट कर दिए, किंतु अब मैं इसे नष्ट करूंगा। आक्रमण! आओ असुरो, आओ! उचित समय पर शुम ने भेजा है तुम्हें मेरे निकट। भूखी हूँ मैं, रक्त पान करूंगी तुम्हारा और बुझाऊंगी अपनी रक्त पिपासा। भूखी हूँ मैं, आओ! पिताश्री, पिताश्री। भैया, हमें जो भी करना है बहुत सावधानी से करना होगा। किस सावधानी की बात कर रहे हो तुम गणेश? अब सावधान रहने के लिए हमारे पास समय ही कहाँ है। मुझे भी ज्ञात है भैया, किंतु हम पिताश्री को ऐसे ही अचानक उनके इस गहन ध्यान से नहीं निकाल सकते। उसके प्रति तो हमें सावधान रहना ही होगा, क्योंकि पिताश्री का क्रोध भी कम नहीं। यदि अपने ध्यान में बाधा पड़ने के कारण वो क्रोधित हुए तो? तुम उचित कहते हो गणेश, ये तो बड़ी विचित्र विडंबना है। वहां माता महाकाली की भूख प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर रही है और यहाँ पिताश्री की क्रोधाग्नि संपूर्ण विनाश का कारण बन सकती है। किंतु गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, इसी कारण हमें महादेव को उनके ध्यान से बाहर लाना अति आवश्यक है। और यदि आप दोनों ऐसा करने में असमर्थ रहे तो ये कार्य और कौन करेगा? कंडे, आप करेंगे ये कार्य। मैं कैसे कर सकता हूँ ये? हाँ ऋषिवर, आप पिताश्री के सच्चे भक्त हैं। आपके हृदय की शुद्धता आपके मुख से प्रस्फुटित होने वाले वचन बनते हैं। आपकी सरल और शुद्ध भक्ति के इस पावन स्थान से, आपके हृदय से, यदि आप महादेव के परम भक्त अपने भक्ति पूर्ण वचनों से उन्हें ध्यान से बाहर लाएंगे तो पिताश्री कभी कुपित नहीं होंगे। हाँ ऋषिवर, अब तो आप ही ये दुर्गम कार्य साध कर संसार को संकट से मुक्त कर सकते हैं। आप हृदय से प्रार्थना कीजिए, पिताश्री आपका अनुरोध कभी नहीं ठुकराएंगे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शीघ्रता कीजिए पिताश्री, समय बहुत ही अल्प है। आ बाना ना रहा है मुझे, रक्त प्राप्त हो रहा है मुझे। इन असुरों का भक्षण कर अपनी भूख मिटा रही हूँ मैं। आओ!
ब्रह्मदेव, प्रलय के लक्षण तो अभी भी प्रस्तुत हो रहे हैं। यदि महादेव ने शीघ्र कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। पिताश्री क्रोधित तो नहीं? हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री, किंतु हमें और माँ को आपकी आवश्यकता है। शेष है, इसको भी अपना आहार बनाऊंगी मैं। इन सभी का अंत हो गया, किंतु और रक्त चाहिए मुझे, और रक्त चाहिए मुझे। अभी भी बहुत भूखी हूँ मैं, बहुत भूखी हूँ मैं। रक्त, रक्त दो मुझे। अभी भी बहुत भूखी हूँ, बहुत भूखी हूँ मैं। मुझे मांस चाहिए, मांस चाहिए मुझे। रक्त चाहिए, रक्त चाहिए मुझे। उमा, बस अब माँ अवश्य शांत हो जाएंगी। उमा, शांत हो जाइए प्रिय। रक्ताम्बुजवासिनी विलसिनी चंडांशु तेजस्विनी या रक्तारुधिराम्बरा हरे सखी या श्री पिताश्री की उपस्थिति का भी आभास नहीं। देवी काली तो योगिनियों पर आक्रमण करने जा रही है। तो तुम्हें रोकने का सिर्फ एक ही उपाय शेष है प्रिय। मां की ऐसी प्रचंड मनोदशा में पिताश्री भी कैसे रोकेंगे उन्हें? अब क्या करेंगे पिताश्री?
किसी के लिए भी उचित नहीं होता, उसे शांत करना परम धर्म है। प्रतीक्षा करो देवी, हम शीघ्र ही तुम्हें बंदी बनाने आ रहे हैं। शुम, शुम, निशुम। ये काले मेघ, उसके साथ ये भीषण विद्युत प्रवाह, जैसे ये किसी भावी पवंडर के संकेत हो। सृष्टि पर आया ऐसा कौन सा संकट भारी, जो त्रिदेव सहित सभी देव भी धरे रूप नारी, देखिए विघ्नहर्ता गणेश में।